कब से है इस्कॉन मंदिर? इस्कॉन मंदिर का यहाँ हो गया 1 साल। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में, और आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते नहीं होंगे। ये दरभंगा में कहाँ है और किस चीज़ को हम दिखाने वाले हैं आपको हम बताएंगे। इसके बारे में हम सब कुछ जानकारी देंगे, दिखाते हैं आपको। मैं पीछे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये पीछे आप देख लीजिए, ये मंदिर है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या चीज़ का ये मंदिर है, कौन से भगवान का ये मंदिर है और लोग यहाँ क्यों आते हैं, सब कुछ हम बताएंगे। आप देखिए हमारा ये ब्लॉग, और हमारे इस ब्लॉग में जो हैं हमारे साथी, ये देख लीजिए, इनसे मिलिए। ये हैं प्रेम। इनको अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाइएगा, क्योंकि दरभंगा जब आइएगा और इनसे मिलिएगा तब पता चलेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर के बाहर अभी हम सीढ़ियों पे खड़े हैं और आपको दिखाएंगे इस्कॉन मंदिर कैसा है, यहाँ की खूबसूरती, और भजन कीर्तन जो हो रहा है उसके बारे में भी हम दिखाएंगे। कुछ देर बाद आरती होने वाला है, तो आरती में भी आप लोग को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारा ये मित्र प्रेम है, ये भी साथ में चलेंगे। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों से और देखते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया था कि कैसे युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने की ट्रेनिंग दी थी। मंदिर कैसा है यहाँ का और कब से स्टार्ट हुआ और क्या इतिहास है, सब कुछ जानेंगे। स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले शुरुआत किया था, न्यूयॉर्क में पहला इस्कॉन मंदिर बना था। इसके बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो विश्व में मंदिर बनाते गए, और ऐसे ही भगवद गीता का प्रचार प्रसार होता गया। तो महाराज जी से भी हम बात करेंगे। पीछे महाराज जी हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ महाराज जी है। महाराज जी, इस्कॉन के बारे में बताइए, दरभंगा में कब से है इस्कॉन मंदिर? इस्कॉन मंदिर का यहाँ हो गया 1 साल। अच्छा, इसी महीना में इस्कॉन आया था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर 1 साल हो गया जी। अभी तक इस्कॉन का जैसे होता है पूजा पाठ, इस्कॉन का पूजा पाठ जी अब से वैसा ही यहाँ पर अच्छा हो रहा है। इस मंदिर में जिस तरीके से स्थापित किया गया, क्योंकि पहले तो ये खंडहर होगा। नहीं, खंडहर नहीं था। इसमें क्या था पहले इस मंदिर में? ये मैंने जैसे अभी है खाली इस्कॉन का वो पोर्ट लगा है। अच्छा, भगवान कृष्ण और राधा जी पहले से ही थी यहाँ? पहले से थे। अच्छा, इसके बाद इस्कॉन जो ट्रस्ट के लोग हैं वो आए और फिर इस मंदिर को रंग इस्कॉन के हाथ समर्पित कर दिया गया। तो कितने लोग होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे तो इस्कॉन मंदिर में सुना जाता है कि बहुत से विदेशी भी आते हैं अक्सर, तो दरभंगा में कुछ ऐसा? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है जी, माने संभव है जो ऐसा हो सकता है, हो सकता है आएगा। यहाँ पे लोकल लोगों से सपोर्ट मिल रहा है क्या? हाँ। तो फिर क्योंकि मंदिर का स्थिति अभी भी उतना खास है नहीं, खास क्योंकि ये जर्जर अवस्था में अभी भी मंदिर है, कभी भी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे हम देख रहे हैं जिस तरीके दीवारें हैं, और फिर सामने भी मंदिर का कुछ आधा हिस्सा ही लगभग कलर हुआ है, बाकी हिस्सा अभी भी पड़ा हुआ है। सब अभी ऐसा ही है,
लेकिन इस्कॉन का जो अपना है जो पूरा मंदिर का फिर से रिपेयरिंग करके पूरा उसका किया जाएगा। ये यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो लोग है, तो इस्कॉन जब से आए हैं इस्कॉन के प्रति उसके अंदर से भावना बहुत अच्छा, क्योंकि नाम है ना, नाम ऐसा लग रहा है इस्कॉन, मतलब हो गया कोई विदेशी नाम लग रहा है लोगों को, तो लोगों को लग रहा होगा कि कोई ऐसे भगवान होंगे जो शायद हिंदू धर्म से नहीं जुड़ते होंगे, उनका मंदिर होगा। लेकिन लोगों को जैसे ही पता चल रहा है कि इस्कॉन मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का ही पूजा होता है, तो लोग धीरे धीरे फिर खींचे चले आते हैं। कुछ यहाँ के बारे में कि कब क्या होता है नहीं होता है, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहिए। यहाँ एक ऐसा होता है सुबह के समय में जी 6:30 बजे भगवान का आरती होता है, फिर 8 बजे में उनका खाना पीना वो लगता है जी, फिर शाम में 6:15 बजे तुलसी आरती होती है जी, 6:30 बजे भगवान की आरती होते हैं जी, फिर उसके बाद कीर्तन भजन। अच्छा, अब लंगर भी चलता है? इतवार के इतवार, रविवार को रविवार चलता है, रविवार को यहाँ पर। एवरेज क्या रहता होगा भीड़ लोगों का यहाँ? 200-250-300 लगभग लोगों का यहाँ पे भीड़ रहता है। और महाराज जी जैसे बता रहे हैं यहाँ पे मंदिर की स्थिति जो है अभी भी उतनी खास है नहीं, क्योंकि लोगों का सपोर्ट उस तरीके का है नहीं। एक साल हो गया, तो एक सालों में काफ़ी तकदीर यहाँ पे बदलनी चाहिए थी इस मंदिर की, सो नहीं हुआ है। कुछ डोनेशन वोनेशन आते हैं तो लोग करते हैं क्या? उतना नहीं। बाहरी लोग आए हैं क्या अभी तक, कोई बाहरी ऐसे जो जो लोकल हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है ना। तो महाराज जी जैसे बता रहे थे कि लोगों को पता नहीं चलता है कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस्कॉन मंदिर कौन से भगवान का मंदिर है और कहाँ पे है ये भी नहीं पता है। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहें कि इस मंदिर में अगर आना है तो किस टाइम आ सकते हैं यहाँ पर, कभी भी चाहो, नहीं कोई ऐसा समय जिस समय भजन कीर्तन हो रहा है या आरती का समय आ सके, उस समय आइए शाम के 6:30 बजे उस समय में यहाँ पर बहुत अच्छा से कीर्तन भजन पूरा ज्ञान के साथ होता है। मतलब एक दूसरी एक दूसरी दुनिया की अनुभूति होगी आपको जब आइएगा, तो लगेगा कि आप मथुरा में हैं जैसे, उस तरीके का आपको अनुभूति होगा। दिखा दूँ इस्कॉन मंदिर की, आप देख लीजिए इस मंदिर को। और जैसे कि हम बता रहे थे कि इस्कॉन का मैंने कुछ पढ़ा अभी और कुछ मैंने वीडियोज भी देखा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देखने पे पता चला कि दूसरे देश जो रसिया है या अदर कंट्री है वहाँ पे सनातन धर्म तेजी से फैलता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इस्कॉन मंदिर, क्योंकि लोग जिस तरीके से जाते हैं इस्कॉन मंदिर में और वहाँ देखते हैं कि भगवान कृष्ण का पूजा होता है, भगवान कृष्ण का भगवद गीता वहाँ से लोग खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवद गीता और साथ ही अन्य भी धर्म ग्रंथ मिलता है, तो लोग पढ़ने के बाद उससे प्रभावित होते हैं। और आप सनातन धर्म में आए ना आए, लेकिन भगवद गीता अगर पढ़ लिए तो आपकी जिंदगी का वो चीज़ सीख जाइएगा जो शायद आप सीखने के लिए पूरी उम्र बिता देते हैं और तभी नहीं सीख पाते। अच्छा, हम लोग में एक अलग ही भ्रांति है सोसाइटी में है जो हमारी है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा देखा गया है कि लोग जब अंतिम समय में होते हैं, मतलब लोग जब आप मरने के समय होते हैं उस समय भगवद गीता ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेरा भी विचार है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने बताया है कि लोग गलत चीज़ ये कर रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता ऐसा है कि अगर ज़िंदगी की शुरुआत में हम पढ़ लें तो शायद हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम अंतिम क्षणों में सोचते हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में तो हम सुनने लायक रहते नहीं है। ऐसा मैं तो अभी तक नहीं ऐसा हो पाया है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जब भी गाँव में जाता हूँ और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो अंतिम समय से गुजर रहे होते हैं, उनको उस समय भगवद गीता सुनाया जाता है, जब वो सुन ही नहीं पाते और इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते कि क्या होगा, तो ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति, तो ऐसा क्या होता है क्या भगवद गीता लास्ट समय में सुनाने से मोक्ष प्राप्ति? एकदम होता है, अगर इस चीज को पहले सुना जाए तो। यदि पहले सुना जाए तो इससे अच्छा होता है, इससे अच्छा होता है, अंत में सुनेंगे वो भी अच्छा ही होता है, अंत में सुनेंगे अच्छा। और पीछे देख लीजिए भाई साहब, इस मंदिर को देख लीजिए, बार बार देखना पड़ेगा। और स्वामी प्रभुपाद जी ने इस मंदिर को जिस तरीके से पूरे विश्व में फैलाया है, वो भाई साहब उनका जितना भी आप पूजा अर्चना करें वो कम ही होगा, क्योंकि अगर भगवद गीता आज पूरे विश्व में फैल रहा है तो उनका श्रेय जाता है प्रभुपाद जी को। इन्होंने ही स्टार्टिंग से लेके, और इनका तो देहांत हो गया है लेकिन इनके अनुयायी जो हैं वो अभी भी पूरे विश्व में इसको फैलाते जा रहे हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं इस्कॉन मंदिर में
तो मैं आपको अभी रात में ये आरती होगा इसमें सम्मिलित होऊंगा और फिर मैं कल सुबह का भी आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा, कुछ और विशेष जानकारी जो यहाँ के मेन है इस मंदिर के वो भी आपको बताएंगे। अभी वो शायद मौजूद नहीं है, इसके कारण हम महाराज जी से बात किए थे, इन्होंने भी बहुत कुछ बताया इस मंदिर के बारे में। बाकी अभी जो आरती होगा अंदर में अभी चल रहा है, कुछ कथा चल रहा है तो लोग सुन रहे हैं, बाकी जो आरती होगा उसको हम दिखाएंगे, आरती में किस तरीके का यहाँ पे लोग भजन कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, वो चीज़ों आप देखिएगा उन चीज़ों को, तो फिर आप अलग ही दुनिया में चले जाइएगा। मैं इसीलिए आया हूँ, आज एक खास दिन है, संडे का दिन है, छुट्टियों का दिन है, तो लोग आए हुए हैं और आरती में हम बात करेंगे जो ये प्रेम है, क्योंकि हम लोग का जो एज है ना वो बहुत ही कम है और इस एज में इन चीज़ों को दिखाना अक्सर लोग दिखाते नहीं, यूट्यूबर्स होते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये जाएगा तो कहीं इसी से गली मोहल्ले में जाके कुछ दिखाएगा, लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आपको उन चीज़ों को दिखाऊँगा जो आप कहीं नहीं देखे हैं, किसी भी चैनल्स में नहीं देखे हैं। मैं अभी दरभंगा में हूँ तो दरभंगा में ही खोज रहा हूँ कि कैसा कैसा क्या है नहीं है और कौन सी जगह को हमको दिखाना चाहिए जो लोग आए। प्रेम है हमारे साथ, प्रेम से हम बात करेंगे। प्रेम ये बताओ कि भाई यहाँ पे आने पे कैसा लगा है, क्योंकि पहले भी तुम भी नहीं आए थे दरभंगा, इतना दिन से हम भी नहीं आए थे, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। अब कभी सुने थे इस्कॉन मंदिर के बारे में? आज तक तो नहीं सुने। अब देखिए हम लोग दरभंगा में हैं लेकिन हम लोग को अक्सर पता नहीं चलता है कि हमारे दरभंगा में क्या क्या है, और घूमना चाहें तो बहुत चीज़ है ऐसा जो हम लोग घूम सकते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर में ये भी नहीं आए थे, प्रेम भी नहीं और हम भी नहीं आए थे। यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला है, क्योंकि मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था तो मैंने फोर्स किया है प्रेम को कि चलो आज कैसे भी जाके, इसने व्रत रखा है। अब व्रत क्या चीज़ का भाई ये बता दो, क्या नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा है? नरक निवारण चतुर्दशी कि नरक में नहीं जाओ, लेकिन 364 दिन ये पाप करेगा और एक दिन जाके ये व्रत करेगा, तो उससे भाई तुम नरक से नहीं निकल पाओगे। नरक से निकलना है तो फिर इस मंदिर में आओ और भगवत गीता का अध्ययन करो ना, ब्रह्मचारियों के लिए ऐसा कई बार कहा गया है ना, कहते हैं तो भगवत गीता, अरे भगवत गीता नहीं ना बाबा, ना भगवत गीता मत लेना है ना, भगवत गीता ब्रह्मचारियों के लिए। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है भगवदगीता ब्रह्मचारी? भगवदगीता में कोई श्लोक लिखा है कि भगवदगीता ब्रह्मचारी के लिए? अब कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मैं यहाँ पे लमसम सेवा में नियुक्त किया, मतलब 6 महीने से अप्रॉक्सिमेट जा रहे हैं। 6 महीने से आ रहे हैं, क्या एज होगा आपका? मेरा 24। इस एज में लोग अक्सर, क्योंकि हम लोग जिस एज में, मैं तो आपसे भी छोटा हूँ और आप इस एज में मंदिर में आते हैं, तो क्या लगता है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको मंदिर की तरफ आना चाहिए या ना आना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन मंदिर पूरे वर्ल्ड में है? अभी का जो भी युवा पीढ़ी है उन युवा पीढ़ियों को कहीं और भटकते ना भटकते हुए इस्कॉन की ओर ही आना चाहिए, क्योंकि जितना भी अभी एक तरह से युवा पीढ़ी इंटॉक्सिकेशन, इलेक्ट्रिक सेक्स और फिर क्या बोलते हैं कि नेगेटिव सेंस और नेगेटिव थिंक और नेगेटिव लोगों के प्रति नजरिया जो होता जा रहा है, वो सब चीज़ों से उनको बचने के लिए एकमात्र ही उपाय है कि इस्कॉन की ओर आवे, यहाँ मेडिटेशन करें, यहाँ पे कीर्तन करें और कीर्तन करने के साथ साथ यहाँ जो गीता की क्लास चलती है उस गीता क्लास को सुने समझे और अपने लाइफ में अपने पर इम्प्लीमेंट करें। तो एक अपना एक सिस्टम के दूर चला, उसी तरह एक ये वर्ल्ड है, ये ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स, ये भी सिस्टमेटिक ढंग से चला, ये भी यूनिवर्स है, ये भी आपको ये भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, हमारे आप उनका जो सो खिलौना है, ठीक है, वो जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग, मतलब जैसे जैसे चाह रहे हैं वैसे यूज कर रहे हैं, और वो जैसे जैसे चाह नहीं, अपना अपना जो चाहत भाग रही है, सॉरी अपना जो चाहत भाग उधर उधर भाग रहे हैं, और वो आप जहाँ जाइएगा जिस ओर जाइएगा प्रभु आपको उसी ओर ले जाएंगे, ठीक है। वो उनका हर मनुष्य के अंदर वैसे ना सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, जैसे जैसे रन करोगे वैसे सॉफ्टवेयर रन करिए। स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा जो है वर्ल्ड में अमेरिका से शुरू किया गया इस चीज़ को, वहाँ से पूरा एकदम जो है ऐसे ऐसे लोग थे जो वहाँ पूरा इलेक्ट्रेट से एक्सप्रेसिव इंटॉक्सिकेशन नशा करना सब सीखना पूरा जो अब खत्म जीवन खत्म कर उन लोगों से शुरू किया, ना कि कोई अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ, ना ही कोई साफ सुथरे, मतलब जो लोग जिंदगी को मतलब समझ चुके हैं कि मेरा बेकार हो गया, बेकार हो गया तो जैसे जी के अपना खर्च करके उन लोगों को जिलाए, उन लोगों को मजबूत करवाए, भक्ति करवाने, उनके अंदर जो सत्य है, उनके अंदर जो चेंजिंग हुआ, वही रिजल्ट प्रमाणित हो गया जो वहाँ से शुरू के फिर धीरे धीरे सब जगह होता चलता चला गया। ठीक है, आप जाइए, और आप जो कथा सुन रहे थे मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, और आई होप कि आप लोगों को भैया का बात समझ में आया होगा, और आप भी अगर आपको समय मिलता है, समय ना मिलता है तो समय निकालिए।
मंदिर में अब हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे का भजन शुरू हो गया है। तो आपको हम ले चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखेंगे कि इस मंदिर में किस तरीके से लोग झूमते हैं, कैसा भजन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, हम आपको दिखाएंगे। अंदर चलिए, अंदर चलने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ झूमते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज में यूट्यूब पे और टीवियों पे कि मथुरा में कैसे लोग झूमते हैं, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि आज दरभंगा में लोग भजन में कैसे झूमते हैं। चलिए फिर Hare Hare
थैंक यू हरे कृष्णा प्रसन्न।